को गुस्सा आया, मम्मी को गुस्सा आया और माँ ने कह दिया आके एक जोरदार थप्पड़ दूंगी ना तो सब पानी निकल जाएगा, उठ ले और जा पानी पी ले। इतने में फिर छोरा बोला मम्मी आई जब मारने आओ ना तो पानी नहीं आना, मतलब पानी लेने नहीं जाऊंगा, इतना आलसी कि मारने आओ तो पानी नहीं आना पर जाऊंगा। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं अपने मेहनत को प्रबलता में करिएगा, जिसका पसीना भूमि पर टपकता है, जिसका पसीना मेहनत का टपकता है वो एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। ये श्री स्वामी समर्थ कह रहे हैं। श्री स्वामी समर्थ जी ने दूसरा शब्द कहा कोई आलसी व्यक्ति दिख जाए तो उसकी संगत मत करना, कोई आलसी व्यक्ति दिख जाए तो घर पर जाना, ठंडे पानी से नहाना, फिर अपने काम को जाना। आलसी का मुंह भी देख लो ना तो मालूम पड़े वो खुद आलसी फैलाता फैलाता, अरे करेंगे आराम से कर लेंगे, अभी तो समय बचा है, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा, करेंगे आराम से करेंगे। शादी ब्याह में कोई बड़े आयोजन में यही होता है, बस कर लेंगे अभी तो 4 दिन बचे हैं, अभी कर लेंगे 5 दिन बचे हैं, अभी तो कर लेंगे 3 दिन बचे हैं, और मालूम पड़े दरवाजे पर बारात आ गई, दरवाजे पर दूल्हा आ गया, उसके बाद में लोग कर रहे हैं साहब हलवाई कहाँ है, हलवाई कहाँ, भोजन क्या बनाया, मीठा क्या बनाया, तो हलवाई ढूंढते फिर रहे, काम करते फिर रहे, कहीं ये ढूंढते फिर रहे, कहीं वो ढूंढते फिर रहे। यहाँ श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं जिस काम की लगन होती है, जिस कार्य को आपको करना है, अगर कोई शादी का कार्य है, मंडप का कार्य है, ब्याह का कार्य है, जन्म का कार्य है, शादी की सालगिरह का कार्य है, आपके यहाँ जो बड़ा आयोजन कर रहे हो उससे 10 दिन पहले आप पूरी तैयारी कर लीजिए तो समझ लो आप आलसी नहीं है। मालूम पड़े कर लेंगे, हो रहा है, 4 दिन बाकी है, होगा, करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, कर लेंगे, ये आलसी तत्व की निशानी। श्री स्वामी समर्थ कहते हैं ये आलसीता नहीं होना चाहिए, आलसी का मुख भी मत देखो, मेहनत प्रबल करिए। महाराज बनावट की दुनिया है, बहुत बनावटी जीवन दुनिया के लोग जी रहे हैं, बहुत बनावटी। छत्तीसगढ़ की पावन धारा भिलाई से कहा था लाखों रुपए के महंगे कपड़े पहनने से किसी के विचार नहीं बदल जाते, अगर लाखों रुपए के महंगे कपड़े पहनने से किसी के विचार बदलते तो शोरूम में जो पुतले 5-5 हजार की शर्ट पहनकर खड़े रहते हैं सबसे पहले वो पुतलों का व्यवहार बदल जाता। अगर कोई कपड़ों से पहचाना जाए कि अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो अच्छे विचार हो जाएंगे, यहाँ तो रामचरितमानस में कह दिया ऊंच निवास नीच करतूती देखा न सकहि पराई भभूति, यहाँ तो रामचरितमानस कहती है कई कई ऊंचे अवधे पर भी बैठ जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पर भी बैठ जाते हैं, बहुत प्रतिष्ठावान भी हो जाते हैं, महंगे कपड़े भी पहन लेते हैं, महंगी गाड़ी में भी घूम लेते हैं, और मालूम पड़े अंदर से विचार शुद्ध ना हो पाए तो वो जीवन किस काम का है, उस जीवन की सलाखा किस काम। वो कहे कभी प्यासे हो पानी बाद में अमृत पिला भी दो तो उसका क्या लाभ है, क्या काम का वो वैभव। माता पिता जिंदा है, माता पिता जिंदा है, अब ये देखिए बनावटी जीवन कैसा होता है, जैसे 4 लोग मिलने के लिए आए और हमने बनावटी जीवन जीना चालू कर दिया, हमारी मम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत जोरदार हैं, हमारे पिताजी जोरदार हैं, हम तो इनकी इतनी सेवा करते हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए, हमने बनावटी जीवन जिया। और जब बनावटी जीवन में हम कुछ बनावट कर दिखाते हैं तो वो कार्य हमारा बिगड़ जाता है। बनावट से दूर रहना, बहुत बनावटी जीवन है महाराज। पहले लोग कचौड़ी समोसा खा लेते हैं, फल छोड़ देते हैं। तुम्हारे यहां जितने मेहमान आए उन मेहमान को देखना,
उनके सामने फल काट के रख दो, सेव फल, उनके सामने पपीता काट के रख दो, उनके सामने तरबूजा काट के रख दो, उनके सामने खरबूजा काट के रख दो, उनके सामने केला काट कर रख दो, उनके सामने तुम अंगूर रख दो, और उनके सामने कचौड़ी, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पानी पतासा, ये सब चीज रख दो। तुम मेहमान सबसे पहले फल नहीं खाएगा, खाएगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं खाएगा। कचौड़ी, समोसा, बर्गर, पिज्जा सब खा लेगा। पहले वो फल को त्याग देता है, कचौड़ी समोसा खा लेता है, कचौड़ी समोसा पिज्जा बर्गर आदि का आदि खाया और मालूम पड़े हॉस्पिटल में जाके जमा हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसको जितने लोग देखने के लिए आए वो साथ में फल की टोकरी लाए। अब फल की टोकरी लाए तो वो हॉस्पिटल में जो मेहमान देखने आए थे वो फल लाए थे, और घर के लोग उसी फल को छील छील के उसको हॉस्पिटल में खिला रहे थे। और जो फल की टोकरी लेकर आए थे वो बाहर हॉस्पिटल के बैठकर कचौड़ी समोसा खा रहे थे। अब तुम देखिए, जरा विचार करिएगा, उसने फल छोड़ा, कचौड़ी समोसा बगैर पिज्जा खाया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, रिश्तेदार आए तो फल की, जम के बोलो जरा, टोकनी लाए, उसके रिश्तेदार फल लाए तो उन्होंने छील छील के उसको फल खिलाया। जो रिश्तेदार फल लाए थे वही हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे इंतजार करते थक गए तो कचौड़ी और समोसा खा गए। अब वो हॉस्पिटल में जमा होंगे और ये फल की तो क्यों हम बनावटी जीवन को जिए? एक काम क्यों नहीं करते, जिस भोजन को कर कर हमारे बुद्धि निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारा भाव निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उस भोजन को क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिल जाए किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, शेगांव में पहुंचो, स्वामी समर्थ जी के यहाँ, कलकोट में पहुंचो, पेठन में एकनाथ जी के यहाँ पहुंचो, कभी पंडरपुर पहुंचो, कभी किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ, मीराबाई के यहाँ, कर्माबाई के यहाँ, गुरु प्रहलाद के यहाँ, जगन्नाथपुरी में पहुंचो, द्वारकापुरी में पहुंचो, बद्रीनाथ जी में पहुंचो, रामेश्वरम में पहुंचो, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचो, चाहे उज्जैन के महाकाल पहुंचो, चाहे काशी के विश्वनाथ पहुंचो, तुम जहां जहां पर जाओगे, जिस तीर्थ में जाओगे, जिस संतों की धरा पर जाओगे, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर कर जाना, जब तुम तीर्थ जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, संत के दरवाजे जाओ, तो होटल का भोजन मत कर कर उस गुरु के दरवाजे में भले जरा सी खिचड़ी मिल जाए उसको खा लेना, वो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर दे। जगन्नाथपुरी में जाओ तो होटल का भोजन ना कर कर जगदीश का प्रसाद लेकर खा लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। द्वारकापुरी में जाओ तो द्वारकाधीश के दरवाजे का भोजन ग्रहण कर लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धता लेकर आती है, जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। दूध से हमारी बुद्धि बनती है, गाय का दूध पीते थे तो गाय जैसे एकदम चटपट होते थे। गाय का बछड़ा कैसा होता है? गाय का बछड़ा, गाय ने जन्म दिया और बछड़ा उठ के खड़ा हो जाता है। गाय का बछड़ा बहुत देर तक जमीन पे नहीं पड़ा रहता, जन्म लेते से ही गाय का बछड़ा उठकर खड़ा हो जाता है। और भैंस का, जिन जिनके यहां भैंस है उनसे पूछना, भैंस का छोरा छोरी होए, भैंस का पाड़ा होए, भैंस का बछड़ा होए, तो वो इतनी जल्दी उठ जाता है क्या? उसको उठने में पूरा दिन लग जाता है, तब जाकर भैंस का बच्चा उठ पाता है। शिव पुराण कहती है, जिसने गर्भ अवस्था में बच्चा है और गाय का दूध थोड़ा सा भी शंकर भगवान को समर्पित कर कर पिया है, उसका बच्चा तुरंत चलने के लिए जागरूक हो जाता है। और जिसने गर्भ अवस्था में बच्चा है और भैंस का खूब दूध पिया तो उसकी औलाद उठती नहीं, पक्की आलसी।
इसलिए हमारे यहाँ कहावत है भैंस के आगे, अरे तुम्हें मालूम है अकोला वालों, अरे वाह बहुत जोरदार, क्या कहावत है भैंस के आगे बीन बजाना। अब तुम भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा लो तो वो सुनेगी क्या है? हारम दिए जाओ सुनेगी क्या? भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ वो सुनती नहीं है। उसी तरह कोई जब हमारे घर के बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद उनसे कहो ले पढ़ाई कर ले, ले पढ़ ले, ले चल चल, ले मैं तुझे ये कर दूं, ले मैं तुझे कपड़ा पहना दूं, ले मैं ऐसा कर दूं, ले मैं वैसा कर दूं, पर तुम भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा लो क्योंकि उसने गर्भ के समय पर भैंस का दूध पिया है तो औलाद में थोड़े से भैंस के लक्षण आ गए। इसलिए वो लक्षण आए तो इसलिए वो औलाद भी ऐसी कैसी भैंस जैसी पड़ी रहे, मोबाइल चलाती रहेगी पर हिलेगी नहीं। तुम कितनी बीन बजा लो, तुम कितनी बीन बजा। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है गौ माता का दूध भले एक चम्मच हो शिव जी को चढ़ाकर अगर आचमन कर लिया तो ना जाने कितने दोषों को समाप्त कर देता है, ना जाने कितने दोषों को समाप्त कर देगा। गौ माता के दूध में वो तत्व होता है, गौ माता के दूध में वो सूर्य की किरण होती है, गौ माता के दूध में वो स्वर्ण होता है, गौ माता के दूध में वो एनर्जी होती है, गौ माता के दूध में वो औषधि होती है, गौ माता के दूध में वो पावर होता है कि माता के गर्भ में रहने वाला बच्चा जब माँ गाय का दूध एक चम्मच भी पीती है और गर्भ में बच्चा होता है तो वो बच्चा कभी विकलांग पैदा नहीं होता, वो चलता फिरता आनंद करने वाला होता है। आज कितना हॉस्पिटल में बच्चे जन्म ले रहे हैं, जन्म लिए बच्चे को हार्ट में छेद हो जाता है। पहले कभी सुना तुम लोगों ने ऐसी बीमारियां? अरे बोलो जम के। आज हर 10 लोगों को छोड़कर कैंसर हो जाता है। पहले तो कैंसर किसी एक को होता था, दो चार गांव में तो लोगों को टेंशन होता था कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। आज हर 8 घर छोड़कर, 4 घर छोड़कर, 6 घर छोड़कर, 8 रिश्तेदार छोड़कर किसी ना किसी को कैंसर की बीमारी हो रही है। छोटे छोटे से बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे छोटे से बच्चे को बीपी हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये माता का खान पीन, जब बच्चा गर्भ में रहे, मेरा माताओं से निवेदन है तुम्हारी सास अगर तुम्हें टोकेगी ना तो तुम्हें बुरा लगेगा, पर सीहोर वाला महाराज तुम्हारी सास है ना तुम्हारा ससुर है। हम तो कह सकते हैं जब बच्चा गर्भ में रहे पिज्जा खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे चाउमीन खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे सैंडविच खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे होटल में खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे तो एक बार शेगांव में जाकर गजानन भगवान का प्रसाद खाकर आना। जब तुम्हारा बच्चा गर्भ में रहे तो एक बार शेगांव से ले जाना गजानन महाराज के दरवाजे पर, लाइन लगाना, भोजन की एक थाली लेना, प्रेम से भोजन ग्रहण करना, जय गजानन करते करते जब भोजन करोगे गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भी तुम्हारी सेवा करने की तत्परता रखेगा और वो तुम्हारी सेवा करेगा क्योंकि संस्कारवान हो। अब गर्भवती नारी को पति हॉस्पिटल दिखाने ले गया तो गर्भवती नारी ने कहा मेरा मन बहुत कर रहा है पानी पतासा खा लू, पानी पूरी खा लू। अब वो पानी पूरी खाने के लिए गई और मालूम पड़े उसने दोना पकड़ा दिया, पहले ही गर्भ में बच्चा और उसने हाथ में पकड़ा दिया कटोरा। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई दिन भर भीख मांगे 5 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे, क्योंकि गर्भ में बच्चा था। और पानी पूरी वाले ने बोलो जम के बोलो, सीहोर वाला महाराज भी गलत कह रहा है क्या? वो पानी पूरी वाले ने दोना पकड़ाया, प्लेट पकड़ाई, कटोरा पकड़ाया और तुम्हारी आदत होगी। अब गर्भ से बच्चा सिर पे पल्लू, भीख मंग मंग के खाओ और पानी पूरी वाले को भी पाँव में खुजाल चल रही और पाँव में खुजाल, और इसने कहा पानी पूरी ने खुजाल के और जो दिया और ये खाती खाती बोली पानी में बहुत स्वाद, ए
ऐसा स्वाद तो घर में भी नहीं आए, क्योंकि घर में खुजाल का पानी ही दिया जाए। अब उस स्वाद और मालूम पड़े पानी पूरी वाले को हो गई सर्दी। अब फिर आन दो पानी में स्वाद, फिर आया पानी में स्वाद, कई स्वाद आना जोरदार। अब इनके क्या मालूम कि इसमें एक्स्ट्रा आइटम डला है, इनके क्या मालूम कि मैं कुछ आइटम अलग से डल दिया तो स्वाद पाए। वैसे हमारे अकोला के लोग ऐसे नहीं है, वो तो हम हमारे मोहल्ले की बात कर रहे हैं। और निवेदन है, गर्भस्थ बच्चा रहे, हमारा संस्कार हमारे बच्चों को हम दें, सब कुछ देना बच्चों को, खूब अच्छी शिक्षा देना बच्चों को, खूब अच्छी पढ़ाई कराना बच्चों को, पर साथ में उनको अच्छा संस्कार देना, अच्छा संस्कार। नवयुवक, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बंधु बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, परिवार के लोग बैठे हुए हैं, आप एक नियम बनाना, पति कहे कि चल मैं तुझे गर्भस्थ के समय पर चाउमीन खिला लाऊं, पिज्जा खिला लाऊं, तुम दिल से कहना आज मेरा मन कर रहा है, चलें अक्कलकोट, चलें सेगांव, चलें राजराजेश्वर का दर्शन करने, वहां पर जो भोजन मिलेगा, वहां जो प्रसाद मिलेगा, वो मेरे बच्चे की जिंदगी सवार है। मेरे बच्चे की जीवन सवार, एक जिंदगी को सवारने का क्रम होना चाहिए। ये कहीं से मिलेगा नहीं आपको, संस्कार आपको खुद देना पड़ेगा। बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ, बनावट सजावट और जम के बोलो जरा दिखावट, ये जिंदगी से दूर हो गए तो फिर जीवन एक आनंद की ओर चलेगा। दूसरा समय आ गया लोगों का सजावट का, सजा रहे, सजा रहे। अब सजाने को तो लोग मुर्दे को भी सजाते हैं, बोलो सजाते कि नहीं सजाते, उसको भी नीला देते हैं, कपड़े पहना देते हैं, माला पहना देते हैं, चंदन लगा देते हैं, सजावट की जिंदगी जी रहा। आदमी कितना दुखी है ये कोई नहीं समझ सकता। कोई कह दे तुमसे कि मैं तुम्हें दुख से दूर कर दूंगा तो तुम उसके हाथ जोड़ लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जिसका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है, उसके साथ दुख चलकर आया। बहुत सारे संसार में लोग मिलेंगे जो तुमसे कह देंगे मैं ऐसी भभूति फेंकूंगा कि तेरा दुख मिट जाएगा, ऐसा हाथ घुमाऊंगा कि सोने के हंडे निकल जाएंगे। ऐसा महाराज मिले तो हमको भी बता देना, तो हमें भी सोने के दो चार हंडे मिल जाएंगे, फिर ये मेहनत नहीं करना पड़ेगी। शिव पुराण कहती है कर्म प्रधान हमारा भारत है, कर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, ढोंग और प्रपंच में पड़ोगे तो नीचे गिर जाओगे। कर्म प्रधान रहिए। स्वामी समर्थ कह रहे हैं कि आलसी तक का मुख मत देखो, कर्म में अपना विश्वास रखो, अपनी मेहनत। तुम अगर मेहनत नहीं करते तो तुम कथा के पंडाल तक भी नहीं पहुंचते। 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर गाड़ी को रोका जाता है, बोलो सही है। अब तुम कर्म नहीं करते, तुम कहती मैं तो जाऊंगी, मैं तो यही बैठी रहूंगी, बस नहीं हिलना मुझे, तो कर्म कराना तुमने। गाड़ी में बैठकर वहां तक आए, पार्किंग तक, पार्किंग से वहां रोका गया, वहां से तुम आराम से पैदल 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 धीरे धीरे चलते फिरते, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र स्मरण करते, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम बोलते बोलते अपना कर्म करते करते अपने चरणों से चलकर तुम यहाँ तक पहुंचे हो। कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि हमारे भारत की भूमि पर हमारे सनातन धर्म में किसी का सिर नहीं पड़ा जाता, किसी के हाथ नहीं पड़े जाते, किसी के घुटने नहीं पड़े जाते, हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी का सिर नहीं छुआ जाता, किसी के हाथ नहीं छुए जाते, किसी के पांव घुटने नहीं छुए जाते। अगर सनातन धर्म में छुए जाते हैं तो किसी ना किसी के चरण छुए जाते हैं। चरणों को क्यों छुआ जाता है?